मित्रों नमस्कार। बड़े ही दुखी मन से और बड़े ही एक पश्चाताप के मन से कि जिनके विषय में आज मैं आपको ये श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा हूँ, तुम कहाँ गए, उनके विषय में अब भी मेरा मन करता है कि मैं पूछूं कि वास्तव में तुम कहाँ गए। और इस तुम कहाँ गए के प्रश्न में बहुत लोगों के ये प्रश्न निहित हैं कि उनका जहाँ से प्रारंभ हुआ था और जहाँ से उनकी ये कर्म यज्ञ चलती रही है, उस कर्म में यज्ञ का समापन उपसंहार होना, इस प्रकार के कदाचित चूंकि उनकी एज ज़्यादा थी, मैं बात कर रहा हूँ पीके कौल, हम सबके प्रिय कौल साहब। प्रिय कौल साहब मिलिट्री के व्यक्ति थे और वही अनुशासन, वही दृढ़ता, वही संकल्प शक्ति, वही हम लोगों में आगे बढ़ाने का जज्बा था। आज मिलते हैं उनके बड़े पुत्र श्री आशीष कौल जी से। तो आशीष कौल जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार है। नमस्कार सर। मैं अपने दिव्यांगम चैनल की तरफ से जी बहुत ही संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ जी आपके पूज्य पिता श्री के निधन पर जी, उनके स्वर्गवास पर। हमारी पूरी कम्युनिटी आज भी नहीं मानती है तो कहीं गए जी। तो सब कोई मन से पूछता तुम कहाँ गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ अपने बचपन की यादों से उनको जोड़ते हुए थोड़ा सा आप बताइए जी। तो सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी इज्जत, इतना प्यार उनको देते हैं और देते रहेंगे। देखिए, वो हमारी दादी, उनकी माता जी, वो ये कहती थी, घर का नाम उनका, घर में उनको बिज्जी कहते थे जी। तो वो ये कहती थी कि भगवान ने जिस सांचे में बिज्जी को ढाला वो सांचा तोड़ दिया, मतलब ऐसा ना कभी हुआ ना होगा। तो वाकई मतलब एक बहुत ही अलग किस्म के, बहुत फ़र्क किस्म के थे। एक तरफ तो लोगों को आप कभी देखोगे तो डांटते थे, बहुत गुस्सा करते थे, व्यक्तित्व से ऐसा प्रतीत होता था कि बहुत कड़े और वो बहुत हैं, मगर अंदर से उतने ही वो साफ और नर्म दिल, और मतलब जिसको डांटते भी थे, मतलब आप ये देखिए कि मदद करने के लिए हमेशा जिसकी भी जो भी ज़रूरतमंद हो, और ख़ास तौर पे दिव्यांग लोगों की, तो वो बहुत ही मदद करते थे और तन मन धन से मदद करी जी। ठीक है ना। और आपने जो बात पहले कही थी कि घर में भी किसी को पता नहीं रहता था कि वो किसको क्या मदद कर रहे हैं, ये तो सिर्फ मतलब एक अंदाज़ा होता था कि साहब एक मतलब काफ़ी कुछ ये धन भी खर्च करते हैं लोगों की मदद करने पे, और समय भी लगाते थे, और आउट ऑफ द वे जाके एक मतलब एक मदद करना, दूर दूर तक जाना लोगों के लिए। मंगलम, आप जानते हैं कि मंगलम संस्था से जुड़े हुए थे इतने सालों से, और कभी कभी ऐसा लगता था कि अपने काम और अपने व्यवसाय के अलावा वो मंगलम को ज़्यादा समय देते थे, और ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि उनकी जो मंगलम जाने की और वहाँ काम करने की जो एक एक ताड़ थी, वो मतलब कुछ ज़्यादा ही थी, कि जैसे मतलब जितना वो इंटरेस्ट लेते थे अपने काम में, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ जा के काम करने में लेते थे। और तो वो है बचपन। तो देखिए ऐसा है कि हमारा मैं मेरे ख्याल में 7.5 या 7 साल का था जब उनका एक्सीडेंट हुआ, जो इनका ये माइंड ब्लास्ट में जो उनकी आहत हुए, जो इनका हाथ हो रही है, तो 7-1 साल का था। उसके बाद करीब 10 साल की उम्र में मैं चला गया बोर्डिंग, तो मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया।
तो बट ऑफकोर्स घर से तो जुड़े ही रहते थे और हमारा एज अ मतलब एक पुत्र होने के नाते जो वो था तो वो वही था जो जो मैंने अभी आपसे कहा कि सब डांटते भी थे समझाते भी थे और कभी ज़रूरत हो तो आउट ऑफ द वे जाके मदद भी करते थे। मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं उनका जी। मैं कॉलेज में था और मुझे कुछ दोस्तों के संग कहीं बाहर जाना था, कोई पार्टी थी, कोई बर्थडे पार्टी थी और मैं उनसे कह रहा था कि साहब मुझे गाड़ी दे दीजिए, नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी मैंने, तो मैंने कहा मुझे कार दे दीजिए, मैं दोस्तों के संग कहीं घूमने जाना है। तो पहले तो बोले नहीं हमको काम है, ये है वो है, अब गाड़ी हम नहीं दे पाएंगे, तुम चले जाओ। ठीक, थोड़ी देर बाद बुलाया, बोले हाँ तुम गाड़ी ले जाओ, मुझे अभी काम नहीं है। मैं चला गया, जब मैं लौट के आया तो मैंने देखा है नहीं, पता लगा रिक्शे से चले गए थे अपना काम करने। तो एक जो एक वो भाव क्या बात, क्या बात। तो खैर एनीवे सबके लिए ही वो इस तरीके से थे। एक बार हमने सुना है जी, एक बार वो जिक्र कर रहे थे जी आपके बाबा जी, उनके जी, पिताजी ने जी, उनको कहा कि तुम एनडीए सेना के बड़े ऑफिसर बनोगे जी, वो नहीं बन सके किसी कारण, तो उन्होंने सैनिक के रूप में जी जी बगैर बताए हुए जी इस विषय में कुछ आप जानते हैं। जी 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 उनको एक्चुअली जब वो पहली बार सेना में भर्ती होने गए तो उनकी भर्ती नहीं हुई। सन 57 में उन्होंने राजरिफ में जवान के रूप में भर्ती ले ली और फिर जो जवानों का इम्तिहान होता है, एग्जाम होता है अफसर बनने के लिए, वो दे के फिर अफसर बने सन 60 में। 3 साल इतने ज्यादा सेना में जाने के लिए आतुर थे कि उन्होंने जवान के रूप में भी सेना ज्वाइन कर ली और 3 साल बाद उनको सन 60 में कमीशन मिली एज एन ऑफिसर। तो ये बिल्कुल सही है जो आपने बात बताई, बिल्कुल सही बात, ये बात बताई, बताते थे जी जी। और उनका एक हमने साक्षात्कार लिया है करीब 1.5 साल पहले जी, वो हम आपसे साझा करेंगे कभी मौका जी जी। तो वो एक बार उनके ऐसा कुछ हुआ, चूंकि मैं अपने दर्शकों से भी ये बात आपसे भी साझा कर रहा हूँ, दर्शकों से भी साझा करना चाहता हूँ। एक बार उन्होंने बताया कि उनके किसी अधिकारी ने किसी एक जरूरतमंद को, वो बहुत उसके घर पे उसकी माँ बीमार थी संभव जी, और उस समय कुछ ऐसा लड़ाई वगैरह चल रही थी जो कि छुट्टी देने के लिए बिल्कुल मना किया गया था, और चूंकि ये उसकी बात जानते थे इन्होंने उसको छुट्टी दे दी और उन्होंने उसका मतलब उसके क्या उसको होता है उनकी उसमें उसको पनिश किया गया। तो उसमें भी ये जाकर के अफसर से अब चूंकि ये डिसिप्लिन्ड है, इनको इनको बड़ा मतलब इनका एक्सप्लेनेशन काल हुआ, इनको वो बताते कि मेरी कोर्ट मार्शल तक की नौबत आ गई थी जी, लेकिन खैर उससे बच गए दूसरे लोग। जब उसकी माँ का वहां पे निधन हो गया और वो सुनने में आया तो उन्होंने मिलिट्री वालों ने इनको बुलाया, उनको दोनों को बुलाया कि यहाँ पे मृत्यु और जन्म दोनों निरर्थक है जी, इनसे कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ आइए सेवा करिए, वही मंत्र वो हमेशा तैयार करते जी। तो दर्शकों ये था, ये बातचीत हो रही है अभी, और कुछ आप बताएं अपने घर की कुछ बातचीत, जैसे कि उनका डिसिप्लिन कैसे घर पे और लोगों। देखिए घर पे तो डिसिप्लिन उनका हमेशा वो फौजी ही रहे, पूरा डिसिप्लिन कई साल ही थी तो थोड़ा सा, बट उसके पहले सुबह कभी 4 बजे उठ जाना, 5 बजे उठ जाना, वॉक पे निकल जाना, 3:30 बजे सुबह उठ के चले जाते थे, मतलब अपने काम को कार्य को जो भी जिम्मेदारी लेते थे उसको इतनी सीरियसली लेते थे कि जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उस कॉलोनी के भी वो सचिव थे। उस कॉलोनी को उस्मान एनक्लेव जो फौजी कॉलोनी है उसको शुरू से उन्होंने ही संभाला, मतलब वहाँ पे पेड़ वगैरह सब उन्होंने लगवाए,
और आप यकीन मानिए 108 घर हैं वहां पे। एक समय यह था कि उस 108 घरों में से 62 घर, क्योंकि सब अफसरों के घर थे जो सब इधर उधर हिंदुस्तान भरे में पोस्टेड थे, तो उनके पास समय नहीं था कि वो अपने घर देखें। 62 घर का किराया लेना, किराए पे उठाना, किराया लेना, अकाउंटों में जमा कराना, हाउस टैक्स वाटर टैक्स देना, मेंटेनेंस करना, सब सिर्फ अपने ब्रदर ऑफिसर की मदद करने के लिए सालों तक उन्होंने बिना किसी आर्थिक लाभ के, बिना वो तो आर्थिक किसी उनके मन में तो कभी आया ही। हाँ, मतलब उन्होंने सालों तक इतने घरों को देखा। और आखिरी घर जो एक बचा हुआ था, वो मैंने अभी 2 हफ्ते पहले उनके मकान मालकिन को बुला के और उनसे रिक्वेस्ट करी, गुजारिश करी कि भाई अब आप संभाल लीजिए, अब पिताजी कमज़ोर हो गए हैं, इनके पास इतना समय भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है कि ये अब आपका मकान संभाले, तो आप आ जाइए, मैं आपको किराएदार से मिलवा देता हूँ और अब आप आगे से अगले महीने से खुद संभालिए। अभी मुश्किल से 2 हफ्ते पहले की बात है, आखिरी मकान आज की तारीख में मैंने उनको इसी महीने उनको हैंडओवर करवाया है। एक बार हमें, आपको मैं साझा कर रहा हूँ, एक बार जैसे अभी मैंने आपसे बातचीत की जी अनौपचारिक रूप से जी, बहुत मैं कुरेदता रहा, बहुत कुरेदता रहा, तब उन्होंने कुछ बातें बताई जी कि वो भी मुझसे ये संकल्प लिया कि जब तक मैं जीवित हूँ कभी भी ये बातें बताना नहीं, कि मैं एक बुजुर्ग जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशन के लिए बहुत बार गई, दौड़ भाग करती रही, नहीं मिली जी, तो उनको जितनी पेंशन उस समय संभवतः 250 रुपये मिलती थी, उन्होंने कहा कि 250 के लिए तुम इतना दौड़ रही हो, कितना रुपया खर्च किया होगा। वो बहुत रोध हो के बोली कि हमारा सब 70-75 रुपये खर्च हो गया। उनका अच्छा, बस तुम्हारी पेंशन सैंक्शन हो गई और ये पेंशन तब तक मिलती रहेगी जब तक या तो तुम्हारा निधन न हो जाए या मैं न रहूं, दो में से एक जी। और मुझे मालूम है अभी उनके रिटायरमेंट के बाद मेरी टेलीफोन से अक्सर बात होती रहती थी, तो 2000 रुपये अभी उसको मार्च तक उसको मिले हैं। मैं नहीं जानता अप्रैल में मिले कि नहीं मिले, लेकिन मार्च तक उसको 2000 रुपये महीना मिले, मार्च 2023 की बात जी जी बिल्कुल बिल्कुल मिले होंगे ऐसे। और इस तरीके के बहुत से बहुत केस हैं, ऐसे नहीं, ऐसे बहुत केस हैं हमारे, आप ये समझिए हमारे जो यहाँ के व्यवसाय के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंपनी के, इनमें कई लोग ऐसे हैं जो शुरू शुरू में जब पापा ने चालू किया था 1974 में ये व्यवसाय चालू किया था, तो तब के कुछ लोग जुड़े हुए थे और वो जैसे ही बूढ़े हो, वृद्ध हो गए या वो हो गए, उनको उन्होंने कहा तुम जाओ घर पे आराम करो, हर महीने पैसे ले जाओ। तो आज की तारीख तक लोग ऐसे हैं, हमारे घर पे एक आदमी जो काम करता था उसकी करीब 2 साल पहले देहांत हो गया, उसकी बीवी को अभी तक पेंशन पहुंचाते हैं। ऐसे तो मेरे ख्याल में कम से कम 8-10 लोग तो मेरे वो हैं जो जिनको वो ये उनको मैं आप लोगों के इस मतलब उसको नहीं लगता कि वो हम लोगों को छोड़ के गए हैं जी, हम लोगों को उनका आचरण, उनकी ये जो सिद्धांत है उनको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए जी, और हम उनके लिए और अपनी कम्युनिटी की तरफ से उनको सतत श्रद्धांजलि देते हैं जी, और आपके परिवार के लिए हमारी सबकी पूर्ण संवेदनाएं हैं जी। यहीं तक दिव्यांगम की तरफ से मैं विश्वकांत मिश्र, आज फिर मैं मिलूंगा किसी दूसरे चैनल। मेजर कौल साहब के निधन के बारे में सुनकर के बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैं जब भी उनसे मिला तब इतने फुर्तीले और चुस्त दिखाई पड़ते थे जैसे कि कोई एक नौजवान भी न हो। ज़रा ज़रा सी बात पर एकदम से खड़े होना, उठना, दौड़ना और बड़ी फुर्ती से हर काम करना, बल्कि मुझको ताज्जुब भी होता था
कि उनके जो दिव्यांग होने के बावजूद इतनी फुर्ती कहाँ से लाते हैं। कभी कभी मैं पूछता भी था उनसे कि आप ये कैसे हैंडल करते हैं, मोबाइल कैसे हैंडल करते हैं, फ़ोन कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, पर पता नहीं न मालूम कैसे बहुत ही। तो इसलिए मुझको उनकी बीमारी का भी कुछ पता नहीं चला और उसको एकदम से बहुत बड़ा आघात लगा। और मंगलम के तो की तो उन्होंने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है कि मतलब उनके अलावा और किसी को इतनी जानकारी नहीं होती थी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, और सारे जितने मंगलम के भी जो भी नियम हैं, बायलॉज हैं, उनके बारे में सब इनके एक एक उनके ज़बान पर रहता था। कभी कभी तो हम लोग कहते भी थे कि साहब जरा कागज़ पर देख तो लीजिए, अकाउंट्स वगैरह के बारे में भी, तो कहते थे देखना क्या है, मुझे तो सब याद ही है, मुझे पता ही है, मैंने ही तो लिखा है। तो हम लोग स्तंभित रह जाते थे कि हर एक जानकारी उनकी उंगलियों पर होती थी। और उन्होंने मंगलम की सेवा तो हमारे ख्याल से 20-25 साल करी है अनवरत, और बिना थके हुए दौड़, इधर से दौड़ लगाना, उस वहाँ जाना, उस मीटिंग में जाना, कभी कभी दिल्ली भी जाना, कभी जहाँ फील्ड पर तो खैर जाते ही थे, जहाँ कैंप्स वगैरह होते थे मंगलम के। तो मतलब हमें तो लगता है कि उन्होंने शायद आर्मी की भी इतनी सेवा नहीं करी होगी जितनी कि मंगलम की सेवा करी। और मंगलम के विकलांग का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। और हम मंगलम के सभी सदस्य, भाई बहन, कर्मचारी सब एक ही एक फैमिली के हैं, हमारे सिस्टम में उनको एक फैमिली ही कहा जाता है। तो बहुत उनको मिस करेंगे और बहुत याद रखेंगे उनके कामगिरी की। बहुत मंगलम उनकी वजह से इतना आगे बढ़ सका और इतना अच्छा काम कर सका। तो मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति मिले और सांत्वना मिले। नमस्कार दोस्तों, मेजर बीके कॉल सर के निधन की खबर मुझे दिनांक 18 जून को प्रातःकाल पे हुई। स्तब्ध निशब्द, क्योंकि उसके एक दिन पूर्व ही मैंने सुबह भी उनका तबीयत हाल चाल लेने के लिए उन्हें कॉल किया था। दोपहर में पुनः, चूँकि मेरी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई इसलिए दोपहर में मैंने पुनः उन्हें फ़ोन किया। वो इस कदर बीमार नहीं थे जैसा कि उन्होंने मुझे फ़ोन करते ही डांटा, सो रहा था तुमने जगा दिया। हाँ, मैंने कहा सॉरी सर, मुझे सिर्फ आपके केयर मतलब हो रही थी कि मैं आपको तबीयत पूछ लूँ, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। मेजर कॉल सर से मेरी मुलाकात लगभग 2002 में, जब वो मंगलम के जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे और मैं एज ऑफिस असिस्टेंट के रूप में वहाँ पे काम कर रही थी, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। पहली बार देखते ही मुझे, जब वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके आए थे, तो मुझे लगा कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं, उनकी आँख भी एक पत्थर की है। और ये किस तरह से दिव्यांगता पर इतने उत्साह, इतने उज्जीवट हैं कि लगता ही नहीं है कि कहीं से दिव्यांगता उनको छू भी गई है। और उन्हें दिव्यांग कहना पसंद भी नहीं था। मुझे उन्हें देखकर लगा कि ये जब गाड़ी चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरे अंदर तो कभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं गाड़ी ड्राइव करने के बारे में सोचूं। न जाने कितनी बातें, कितनी ऐसी चीज़ें जो मैंने उनसे सीखी और उन्हें अमल किया, चाहे वो ऑफिस के काम हों, पर्सनल प्रॉब्लम्स कैसे तुरंत सॉल्व कर, उनके लाइफ में डिसीज़न क्विकली होता था। अगर उन्हें कोई चीज़ काम करना है दैट सॉल्व करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना है उस चीज़ को। वो क्विक डिसीज़न लेने की क्षमता, वो एक जुआव जैसा जोश,
वो सब जो मैंने उनसे सीखा उसे मैं आजीवन नहीं भूल पाऊंगी। एक पिता की तरह, एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह मेरे जीवन में उनका बहुत महत्व है। और उनकी ऐसी अनगिनत बातें हैं कि शायद मैं आज बताना चाहूँ तो बहुत से लोग उन बातों को जानते भी नहीं हैं। उनका मोटिव था कि वो कोई काम करें तो उसका गुणगान न किया जाए। वो कार्य करने में बिलीव रखते थे, दिखाने में नहीं। मंगलम एक टाइम ऐसे क्रिटिकल पोजीशन पे पहुंच गया था जहां उसे सिर्फ और सिर्फ बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी उसके, उन्होंने उसको अपने हिसाब से, चाहे लोग उसके कितने भी अपोजिट रहे हों कि आपने ये डिसीज़न ले लिया, कमेटी में नहीं रखा, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे चलाना है और बस कर डाला। उनका ये एटीट्यूड, ये एक आर्मी मैन में ही हो सकती है। मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे इंसान को और गर्व भी करती हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए और आपने मुझे गाइडेंस दी, मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया कि मैं इतनी परेशानियों में पड़ी परंतु आपके दिखाए रास्तों से मैं उन समस्याओं से गुज़र गई। और आपका स्थान मेरे लिए, मेरे जीवन में एक पिता की तो समान ही है कि जो डांटता भी है, जो प्यार भी करता है और एक सही राह पे जाने की दिशा भी दिखाता है। मैं स्तब्ध हूँ कि आप बिना कुछ कहे इस तरह से चले गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें आपको शांति प्रदान करें और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और आपने जो भी दिशाएं लोगों को दिखाई हैं लोग उन पर चल सकें। धन्यवाद। भारत माता की सेवा करने के लिए वहां इतने संकल्पित थे, इतने आतुर थे कि जब उनका चयन अधिकारी पद के लिए, ऑफिसर रैंक के लिए नहीं हुआ तब उन्होंने 1957 में सेना से जवान के रूप में वहां जुड़े। ऐसी इच्छा शक्ति और संकल्प उनके हृदय में चल रहा था कि अपने उस युवा अवस्था के समय पर शीघ्र भारत माता की सेवा करने के लिए वह संकल्पित थे। सेना के सेवा काल में उन्होंने कई बार ऐसे कृत्यों को किया जिसे लोग आज भी स्मरण रखते हैं और उन्होंने कई अवसरों पर अपनी वीरता का, अपने साहस का परचम दिखाया। अपने शौर्य का परिचय देते हुए 1974 में चंब क्षेत्र की सीमा के समीप एक बारूदी सुरंग के फटने से वहां गंभीर रूप से घायल हो गए और इस हादसे के बाद मेजर साहब का दाहिना हाथ और उनकी आंख नहीं रही और बायां हाथ भी काफी ज्यादा उसे क्षति हुई, आहत हुई। लेकिन यह उनकी मजबूत इच्छा शक्ति और संकल्प का ही कारण रहा। इस शारीरिक कमी को उन्होंने जीवन में कभी बाधा नहीं बनने, कभी विघ्न बनने नहीं दिया। जीवन के निर्वाह में इस कमी को कभी उन्होंने आड़े नहीं आने दिया और आत्मविश्वास का अद्भुत परिचय देते हुए उन्होंने बाएं हाथ से लिखना सीखा। इतना ही नहीं, मेजर साहब ने नया व्यवसाय प्रारंभ किया और इस क्षेत्र में उन्होंने 1988 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए प्रेरणा के स्वरूप हैं, प्रेरणा के स्रोत। और इसी से कहावत भी सार्थक होती है कि किस्मत भी
वीर का साथ देती है और वह हम सबको यह प्रेरणा देकर के गए हैं कि हमें जीवन के किसी भी कठिन से कठिन समय पर हार नहीं मानना चाहिए, अपना परिश्रम अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे परिश्रम में हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं होती है तो परमात्मा भी सदैव वीरों का साथ देते हैं। भागवी वीरों का वर्णन करती है। मेजर साहब का हृदय बहुत ही उदार था, समाज के लिए उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया और हमेशा हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर रहते। अपने मन वचन और कर्म से जितना संभव हो पाया वह सदैव परिवार के लिए और समाज के लिए अपने शरीर से अपने मन से लगे रहे और उन्होंने अपने जीवन में काफी समय मंगलम नाम के एनजीओ में राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहते हुए समय व्यतीत किया और इस एनजीओ को अपनी सेवा देते रहे, मार्गदर्शन देते रहे और परिवार में भी पूरे परिवार को एक उत्तम अभिभावक के रूप में पिता के रूप में मार्गदर्शन दिया, सबको एक अच्छे संकल्प प्रदान किए जिसके फलस्वरूप उनके पुत्र श्री आशीष कौल, उनकी अनुप्रति पुत्रवधु श्रीमती दिव्या कौल, पौत्री दिया दिव्यांशी, उनकी पुत्री श्रीमती अपर्णा वातल, दामाद श्री विक्रमादित्य वातल, नाती श्री यशोदित्य और विराजादित्य, या परिवार अपने पीछे छोड़कर के भगवान के दिव्य चरणों में पावन चरणों में वालीन हुए हैं और जितना समय जितना स्नेह उनको परिवार को उनके द्वारा परिवार को मिलना था तय था सबने पाया। हो सकता है यहां से अधिक कहीं और उनकी आवश्यकता रही, ईश्वर ने उन्हें यहां से स्थानांतरित कर दिया और जाते समय जीवात्मा एक संदेश एक आवाज परिवार को देकर के जाती है कि मेरे जाने के बाद आप इतना दुखी मत होना, धैर्य न खोना, अश्रु न बहाना, जिससे कि मुझे जहां भी ईश्वर ने स्थान दिया हो मुझे वहां रहने में कोई दुख तकलीफ या पीड़ा हो। तो जितने धैर्य के साथ संयम के साथ हम सब और पूरा परिवार। मित्रों, आपने सुना हमारे बीच से बीके कौल के विषय में, हम सब बिल्कुल उस तरफ देख रहे हैं जहां पर एक मुहां शून्य है। वो 2 साल से लगभग सक्रियता से थोड़ा दूर हो गए थे, आपको वो मंगलम भी बहुत कम आते थे और दूसरे भी कोई सामूहिक आयोजनों में भी वो सम्मिलित नहीं होते थे, लेकिन हाँ उनका टेलीफोन से मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता था, किसी भी बात में अस्पष्ट वो अपना परामर्श देते थे। आपने अभी सभी के भाव सुने, सभी के विह्वल मन से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित हुई है। हम भी विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और दिव्यांगम यूट्यूब चैनल की तरफ से परम श्रद्धे बीके कौल जी को सतत श्रद्धांजलि देते हैं और समस्त दिव्यांग कम्युनिटी की तरफ से एक छोटी सी कविता निवेदित करते हैं। है हमें प्रतीक्षा अब भी, है हमें प्रतीक्षा अब भी, है हमें प्रतीक्षा भी मेजर बीके कौल के लिए। निर्भीक श्रोमण सैन्य वीर, निर्भीक श्रोमण सैन्य वीर ओ दिव्यांगों के हित साधक, संस्था मंगलम पर्याय रूप श्री कौल रहे जिसके संचालक, श्री कौल रहे थे संचालक। विश्राम लिया न कभी सदा, हर पल हर क्षण तुम चलते रहे, है पूछ रहा दिव्यांग जगत अब आखिर तुम कहाँ गए, अब आखिर तुम कहाँ गए, अब आखिर तुम कहाँ गए। है हमें प्रतीक्षा अब भी, बैसाखी साइकिल उपकरण हेतु लगता है लेने चले गए, लगता है लेने चले गए
कुछ तो थोड़ा बतला देते, आखिर तुम कहाँ गए, आखिर तुम कहाँ गए। जिस परम पिता के अंकों में तुमने विश्राम लिया है अब, जिस परम पिता के अंकों में तुमने विश्राम लिया है अब, पूछना वहाँ परमेश्वर से सुधरेगी हालत दिव्यांगों की कब, पूछना वहाँ परमेश्वर से दिव्यांगों की हालत सुधरेगी कब। ये प्रश्न अभी अनुत्तरित यहाँ, इनको बितलाए इनको बतलाए बिन कहाँ गए, है पूछ रहा दिव्यांग जगत, आखिर तुम कहाँ गए, आखिर तुम कहाँ गए, आखिर तुम कहाँ गए। आदरणीय सभी जो हमारे इस श्रद्धांजलि समारोह में जिन जिन लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि हमको अपने वीडियो संदेशों के द्वारा भेजा है, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और कौल परिवार के लिए इस दुख संतप्त कौल परिवार के लिए हम परम पिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि वो सुख समृद्धि का जीवन बिताएं और उनको सतत शांति दे और उनको इस वज्राघात को सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम नटवर लाल खरे है, मैं मंगलम संस्था में लखनऊ में कार्य करता हूँ। मैं विगत पिछले 3-4 सालों से मंगलम संस्था में काम कर रहा हूँ। हमारे परम आदरणीय श्री मेजर बी के कौल जी का स्वर्गवास दिनांक 17 जून को हो गया है। हम सब मंगलम के कार्य करने वाले कर्मचारी उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैंने लगभग करीब 2.5 साल मेजर साहब के साथ कार्य किया है। उन 2.5 वर्षों में मैंने ये देखा है कि वे दिव्यांगों के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। विशेष रूप से जो गरीब विकलांग होते थे उनको मुफ्त में उपकरण उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करते थे और उसमें सफल होते थे। उनके मार्गदर्शन में जगह जगह गरीब दिव्यांगों को मुफ्त में उपकरण भेंट किए जाते थे। उनका कार्यकाल मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा है। उनमें एक विशेष क्षमता थी, वो जो भी डिसीजन लेते थे वो विकलांगों के हित में तुरंत लेते थे ताकि विकलांगों को जल्द से जल्द उसका लाभ प्राप्त हो सके। हम सब मंगलम के कार्यकर्ता उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। मंगलम संस्था में 1982 से अब तक मैं कार्य कर रहा हूँ। मेरे पूर्व प्रधान सचिव मेजर बी के पॉल साहब का 17 जून को निधन हो गया, जानकर बड़ा दुख हुआ। वे दिव्यांगों के प्रति बहुत ही कार्य किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करें। हेलो, हाँ बोलिए, सुनिए। मैं राम यादव मिश्रा मंगलम में 1977 से अब तक कार्य कर रहा हूँ। मेरे पूर्व प्रधान सचिव मेजर बी के कौल जो 40 वर्षों से मंगलम से जुड़े गए का स्वर्गवास दिनांक 17 जून को हो गया, जानकर बड़ा दुख हुआ। श्री कौल साहब बहुत ही दिव्यांगों के प्रति समर्पित अधिक सहायता करने में लगी थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद। मैं रतिभान सिंह मंगलम में 1984 से अब तक कार्य कर रहा हूँ। मेरे पूर्व प्रधान सचिव मेजर बी के कौल का स्वर्गवास 17 जून 2023 को हो गया है, जानकर बड़ा दुख हुआ। वे दिव्यांगों के प्रति बहुत ही कार्य किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करें।
हाँ बोलिए। मैं अशोक कुमार वाजपेयी मंगलम संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 26 साल मंगलम संस्था में काम किया। मेरे मेजर कौल साहब का देहांत हो गया, मुझे बहुत दुख है। उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। मैं उनसे यही कहते हैं, आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद।